नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आरओ वाटर सुपर चैनल और ये देखिए सेलर गैलेक्सी ट्रेडिंग कंपनी बादली रोड बहादुरगढ़ हरियाणा। मैं इस आरओ सिस्टम का कहानी मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कैसा है इसका कार्टून वगैरह। और इसका आरओ सिस्टम, और इस आरओ सिस्टम में मैं अभी पावर दे रहा हूँ तो ये रन नहीं हो रहा है। कारण पता चला लास्टली इसका वायरिंग सही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ किसका वायरिंग किस तरीके से किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड्स का वायर है और कॉर्ड का ये जो रेड वाला वायर है पॉजिटिव वायर इसको हम लोग बोलते हैं, इससे ये चौक में जा रहा है। देख सकते हैं चौक से इसका कनेक्शन किया गया है। और इसका जो ब्लैक कलर का वायर है कॉर्ड का, वो वायर गया है एक थिम्बल में। और ये जो SMPS का जो ब्लैक कलर का वायर है यानी निगेटिव, उसमें। और इस थिम्बल का आप देख सकते हैं कि ये जो निगेटिव वायर से कनेक्शन कर दिया गया, और दूसरा आप देख सकते हैं ये घूम करके फिर ये इस SMPS के पॉजिटिव वाले वायर में यानी रेड वाले वायर में वो आ गया। और इस कॉर्ड से आपका जो रेड वाला यानी जो पॉजिटिव वायर है उसका पावर इस SMPS के पॉजिटिव वायर में नहीं जा रहा है, जिसके कारण ये आरओ सिस्टम रन नहीं हो रहा है। मैं दिखाता हूँ इसका जो UV है वो काम कर रहा है लेकिन पंप रन नहीं हो रहा है। मैं पावर दे दिया, अब देख सकते हैं इसमें आपको यूवी का लाइट दिख रहा होगा इसके अंदर में, लेकिन यह पंप रन नहीं हो रहा है, जबकि पंप का कनेक्शन सही किया गया है सोलेनोइड बल्ब से और पंप से इसका DC वाले वायर से। कम से कम सेलर का जो भी असेंबलर है उसको इसको एक बार ऑन करके देख लेना चाहिए ना कि पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब परेशानी हमारी बढ़ गई है, फिर से इसकी वायरिंग फ्रेश करनी पड़ेगी। हाँ ये जब मैंने जहाँ से नल से ये करना था तो वो पूरा ढीला पड़ रहा है, ये स्लिप कर रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ वो नहीं हो रहा है। और एक अंदर का स्पेयर था वो भी चेंज करना पड़ा है। हाँ तो वो जो फ्लोट बल्ब सेट है भैया वहाँ पे रखा है, आप उसको भी दिखाएं, वहाँ मोबाइल के जस्ट बगल में है। हाँ। और ये जो है डॉल्फिन मॉडल का भेज दिया गया है, जबकि ये जो आरओ सिस्टम है वो एक्वा ग्रैंड मॉडल का है। इसमें ये जो फ्लोट बल्ब सेट है उसको भेजना ही नहीं था, तो मुझे ये फ्लोट बल्ब सेट दूसरा लगाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि डाइवर्टर सेट भी मुझे चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि वो स्लिप कर रहा है। तो इस ढंग से स्पेयर ना भेजें, हमारी सेलर से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आरओ इंस्टॉल करने में बहुत परेशानी होती है। और हमारे भैया इस आरओ से खुश नहीं है। क्या भैया आप इस आरओ सिस्टम से खुश हैं? नहीं। सेलर का जो वारंटी कार्ड वगैरह होना चाहिए, नहीं ना, बुकलेट तो कुछ इशू ही नहीं किया गया। मैंने जब डिलीवरी लिया तो मैंने पूछा कि इसके अंदर, तो बोला कि हाँ आप ओपन करके देख लीजिए उसके अंदर होगा, उन्होंने तो दिया फिर निकल गए। पर मैं जो जब डिलीवरी लिया उस समय मैं इसको ओपन ऑन रोड तो मैं इसको ओपन नहीं ना करूंगा, मैं तो घर पे ही लाके ओपन, बिल्कुल ओपन किया तो नहीं है। अब कुछ कांटेक्ट नंबर भी जो रसीद उस पे लगा हुआ है उस पे कुछ कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। अब इंस्टॉलेशन के लिए आपने हमसे कैसे संपर्क किया सो बताइए। इंस्टॉलेशन के लिए मैंने मेरे जान पहचान के थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने आपका नंबर दिया उनके माध्यम से, जबकि ये काम था सेलर का। सेलर के थ्रू कोई भी जो भी आरओ इंस्टॉल करते हैं उनको भेजना था, क्योंकि जबकि आप कॉन्टेक्ट नंबर है ही नहीं तो मैं किससे कॉन्टेक्ट करूँ। हाँ तो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इस आरओ सिस्टम को अमेजन से मंगवाने में, तो इसमें सेलर की गलती ज़्यादा है। कृपया अगर सेलर इस वीडियो को देखे तो इस गलती को नेक्स्ट टाइम से ज़रूर सुधारें, तभी अच्छा खासा आपका बिजनेस रन कर पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।